वर्ल्ड सॉइल डे। तो सॉइल कैसे बनती है आपको ऑलरेडी पता है, राइट? सॉइल जो है वो हमने डिस्कस किया, एक बड़ा चट्टान है, रॉक है, वो धीरे धीरे करके टूटता है, चूरा चूरा होता है और मिट्टी जो है बनती है। खाना पीना चल रहा है, अरे खा लो खा लो खा लो खा लो, फाड़ दिया तो खा लो। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं, ह्यूमस हुआ, इस प्रकार की चीज है, राइट? और इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है वो सस्टेन होती है। भाई कहीं पर भी मिट्टी होगी तो प्लांट और एनिमल की लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, राइट? प्राइमरी फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो उसका पेरेंट मटेरियल है, राइट? पेरेंट मटेरियल मतलब जो रॉक जिससे वो बन रहा है। क्लाइमेट है, हमने डिस्कस किया हुआ है ज्योग्राफी के अंदर कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हम लोग को देखने को मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी बनाने में उपयोगी होते हैं, राइट? टोपोग्राफी, उसका स्थल जो है वो कैसा, ऊपर नीचे वाला एरिया, स्थलाकृति हम लोग इसको बोलते हैं। और टाइम, समय के अनुसार मिट्टी बनती थी, यही चीज तो लिखवाई थी मैंने आपको फैक्टर्स में। फिर वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसकी थीम आप ध्यान में रखना, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अब देखो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है, ये हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। थीम तो सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है 5 दिसंबर, बस याद रखो। और इसको जो है प्रपोज किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने 2002 में, और इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के अंडर, और डेजिग्नेट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में। तो यूएनजीए ने 2014 में बोलते हैं कि हाँ भाई 5 दिसंबर जो है वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पर मनाया जाएगा। फिर अब देखिए सॉइल डिग्रेड जब होती है, डिग्रेड सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, मृदा क्षरण, इरोजन, डिग्रेडेशन। तो ये जो होती है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, राइट? तो एग्रीकल्चर में अब भाई मिट्टी अगर कम हो जाएगी तो ईल्ड जो होता है, पैदावार जो होगी उसमें कमी आ जाएगी, राइट? ज्यादा क्रॉप्स नहीं उगेंगे। फिर इरिगेशन की नीड्स जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, आपको जो है बार बार सिंचाई जो है वो करनी पड़ेगी, राइट? अगर मिट्टी खराब हो रही है, इरोड हो रही है, वहां पर डिजीज, बीमारियां होने लगेंगी, कीड़े मकोड़े आने लगेंगे, राइट? सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि वहां पर प्लांट ही नहीं उगा होगा तो सॉइल इरोड तो करेगी करेगी। और फिर कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, किस चीज? अब देखो डिमांड और सप्लाई का गेम है, कॉस्ट में कम पैदावार होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कोई चीज। फूड सिक्योरिटी के लिए अब देखो क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी, भाई पेड़ नहीं उगाओगे तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पेड़ क्या है, कार्बन को, कार्बन सिंक है, एक प्रकार से कार्बन को जो है वो करते हैं, स्टोर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनल क्वालिटी की जो है वो गिर जाएगी मिट्टी खराब होगी तो, फिर इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट? प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे फूड के। फिर इसके अलावा फेमाइन का रिस्क, यानी कि फेमाइन मतलब भुखमरी है ना, तो उसका रिस्क हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। अकाल, भुखमरी अकाल, हंगर होता है भुखमरी, तो फेमाइन अकाल। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की बात करें तो अब भाई भावे फॉरेस्ट नहीं होगा तो जीव जंतु कैसे आएंगे, उनका घर खत्म। फिर प्लांट की डायवर्सिटी कम हो जाएगी। फिर ऑल्टर्ड इकोसिस्टम सर्विस, हम लोग को जो है यानी कि पूरा हमने इकोसिस्टम को पूरा पढ़ा हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने देखा था कि एक इकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, एक टाइम के बाद जो है पूरी चीज खत्म होकर दोबारा से जो है वो शुरू होती है, राइट? फिर इसके अलावा इनवेसिव, इनवेसिव स्पीसीज कौन सी होती है, जल्दी बताओ। हिंदी में इसका करेक्ट आंसर है, ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं, आक्रामकता। ज्यादा तेजी से ग्रो करने का मतलब आक्रामकता कहां से हो गया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वहां से जो ऑलरेडी प्लांट्स हैं उनको हटाओ और उनकी जगह लो। तेजी से ग्रो नहीं करना, मतलब 1-2-3-4-5 ग्रो नहीं, दूसरे को मार रहा है, उसको अपन आक्रामकता बोलता है। नेक्स्ट पॉलिनेटर्स डिक्लाइन जो है वो हो जाएंगे, राइट? तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अब क्या क्या चीजें हम करें इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल के संरक्षण के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए, तो हम कवर क्रॉप्स का जो है वो उपयोग करें। कवर क्रॉप्स कौन से क्रॉप होते हैं, कवर क्रॉप्स क्या होते हैं, यूज इन कवर क्रॉप्स, कवर फसलों, मल्चिंग। देखो क्या होता है, मिट्टी को चाहिए नमी बेटर बनने के लिए, है ना? तो कवर मल्चिंग प्रैक्टिस कभी सुनी है? इसमें क्या होता है कि ऊपर स्ट्रॉ वगैरह का बड़ा, स्ट्रॉ मतलब जो सूखा जैसे भूसा होता है वो जो है मिट्टी के ऊपर बिछा दिया जाता है, मतलब क्रॉप आपने बीज डाले और उसके ऊपर बिछा दिया, जिससे कि पानी जो है नमी रहे, पानी रहे वो इवेपोरेट ना। तो ये कवर पॉलिथीन में ढकते हैं, वही सेम चीज है, हाँ वही सेम चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कवर क्रॉप। जैसे आप हाईवे वगैरह निकलते हो खेतों के पास, आप देखते हो ना कि ऊपर
पॉलिथीन जो लगा दिया हाँ ग्रीन हाउस भी बोलते हैं उसको, बट वो एक्चुअली में ग्रीन हाउस नहीं होता है। क्या कर रहे हो ये लाइटर है क्या? फिर क्या चाबी है? अच्छा मतलब आज कार से आए हो? बाइक इलेक्ट्रिक। अच्छा इलेक्ट्रिक बाइक है, सही चाबी है उसकी, कार जैसी लग रही है चाबी, बैटरी खत्म हो जाएगी यार ऐसा मत करो। आगे की बात करें, ये भी चार्ज होती है चाबी भी? अब कार्बन फार्मिंग को प्रैक्टिस जो है वो किया जाए और सेलाइन और एसिडिक सॉइल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उस पर जो है वो काम किया जाए। मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्ट्स जो है वो आ जाते हैं सॉइल के अंदर। सॉल्ट कैसे आते हैं? हाँ सॉल्ट कैसे आते हैं सॉइल में? कोई नमक फेंक के चले जाता है क्या? नहीं। फिर मिट्टी में क्या पिघल रहा है यार? नॉर्मल मिट्टी पड़ी है बाहर, उसको सॉल्ट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जब होता है तो सॉल्ट, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना, आ जाते हैं। और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के जो सॉइल में घुले रहते हैं, वो एक्युमुलेट हो जाते हैं इन जगह पर, तो ये सब इन सब चीजों को कम करता है। भैया रिवाइज करो अच्छे से, ऐसे काम कैसे बनेगा? नहीं तो बोलोगे कि 80% बोला था आया नहीं जो पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं होता है, आएगा। लॉइस कहाँ का वो है? लॉइसिस, पढ़ के नहीं बताना है। लॉइसिस सुना है कि नहीं सुना है? पहली बार सुन रहे हो? ये ज्योग्राफी रिवाइज ही करो भैया। सैंड का नहीं दिखाया था लॉइसिस? चाइना के अंदर बहुत एक बहुत रेत वाला एरिया दिखाया था मैंने आपको, सैंड ड्यून्स टाइप का एरिया। तो लॉइसिस कहां पर होते हैं? चाइना में। हम लोग को जो है देखने को एक पार्ट है। बहुत बढ़िया लॉइसिस प्लेटू। फिर बोलोगे कि नोट्स दे दो, मत करो सब पर भैया, इरिटेशन तो रही है। कौन सी हरकत है? छोटे बच्चों की तरह नर्सरी में बैठे हुए टक 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 टक। तो देखो लॉइसिस प्लेटू रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट चाइना के अंदर हुआ था, शुरुआत हुई थी 1994 में। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सॉइल इरोजन को जो है वो रोकना है, राइट, कम करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है, इंप्रूव करना है लोकल इनकम और लिविंग कंडीशंस। स्ट्रेटजीज के अंदर उन्होंने बोला कि हम टेरेसिंग करेंगे। टेरेसिंग पढ़ा? यस सर। बट आ नहीं रहा ना, पढ़ा है? हाँ टेरेसिंग, वो नाम सीजन में आ रहा है। तो री और लॉइसिस वॉइसिस आ जाता तो बोलते पता नहीं क्या आएगी। रीस्टोरेशन, रिस्टोर करो जो चीज खराब हो चुकी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को चेंज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है वो आओ। ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्ट करो एक ही जगह पर, तो ग्रेजिंग के चक्कर में गाय बछड़े सब खा जाए, राइट, खत्म कर दिया उन्होंने। फिर इस ये सब करेंगे तो सॉइल इरोजन डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, राइट, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें, सॉइल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, ये इंश्योर करता है कि फ्यूचर जनरेशन पे जो है फायदा मिलेगा। भाई हम आज की रेट में सॉइल को बचाएंगे तो आगे चल के फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है बस। बताइए आंसर। घर में कितनी देर पढ़ते हो? डी डी प्राइमरी फैक्टर्स। हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी। कितने घंटे पढ़ते? मिनट मिनट पांच घंटे पांच क्या पांच मिनट पढ़ते हो? पांच छह घंटे या एक घंटे पुंगी बज जाती है। पांच छह घंटे पक्का पढ़ रहे हो? फिर भी बता नहीं पा रहे क्वेश्चन के आंसर। ये तो ये क्वेश्चन का आंसर ना होता, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। क्वेश्चन का आंसर बोलता है कि आज से दो महीने पहले जो पढ़ा उसका आंसर। तो फिर वो तो ये पता नहीं क्या है। एनडीसी